मान लीजिए कि आप लोगों ने एक सर्विस बनाई और उस सर्विस पर आपके पास बहुत सारे यूजर्स आते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, खुशहाल चल रहा है, आप लोगों की वेबसाइट आप लोगों को बहुत सारे पैसे भी कमा कर दे रही है, लेकिन अचानक से आप लोगों को पता चलता है कि जितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट उठाने के लिए बनी थी उससे ज़्यादा ट्रैफिक उस वेबसाइट पर अब आ गया है। इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? अब ये जो सवाल है ना, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उसका रीज़न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें स्केलिंग को लेकर बहुत सारा काम किया जाता है। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन बीतती है तो आप क्या करेंगे कि या तो आप नया हार्डवेयर खरीदेंगे, लेट अस से आप लोग पहले 1 GB रैम में थे, अब आप लोग मूव कर देंगे सब कुछ 4 GB रैम वाले सिस्टम में, या फिर आप उसी सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, यानी कि जो आपका 1 GB रैम वाला सर्वर था उसको आप स्केल अप करके 4 GB रैम वाला सर्वर कर देंगे। अगर 250 GB SSD थी उसमें लगी हुई तो आप उसको लेट अस से 1 TB SSD कर देंगे, अगर स्टोरेज की वजह से आपकी जो सर्विसेज हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं तो आप लोग के पास ऑप्शन है उस एग्जिस्टिंग कंप्यूटर को और पावरफुल बनाने का। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और है और वो ये है कि आप और सर्वर्स खरीद सकते हो। अगर आपका सर्वर लोड नहीं उठा पा रहा है तो पहला ऑप्शन तो है कि सर्वर को पावरफुल कर दो, और दूसरा ऑप्शन है बाय मोर सर्वर्स। तो जो पहला ऑप्शन है कि उसी को आपने पावरफुल कर दिया, इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल स्केलिंग, और नए सर्वर्स को खरीदना सेम काम को करने के लिए इसे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक एनालॉजी बताता हूँ बिल्डिंग वाली, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। लड़े से आपके पास एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर है, ठीक है, सिर्फ एक फ्लोर है। अब मान लो रहने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं यार हमारे पास रहने की जगह ही नहीं है यार, हम कहाँ पर रहें। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पास वाली लैंड में एक नया कंस्ट्रक्शन करा दो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो आप लोगों के पास है वो ये है कि आप उसी बिल्डिंग में एक फ्लोर और बनवा दो। तो अगर आप लोग उसी बिल्डिंग में एक फ्लोर और बनवाओगे तो वो होगी वर्टिकल स्केलिंग, ये याद रखने का भी बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आप लोग बाजू वाली लैंड में और घर बनवाओगे तो वो होगी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। आजकल हम सभी जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग बूम पर चल रही है, सब लोग अपने सर्वर्स क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं। अब क्लाउड क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्लाउड क्या है, क्या बादल है, बारिश वाला बादल नहीं आ रही है, वो बारिश वाला बादल नहीं है। क्लाउड का मतलब है कि कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो, और वो कंप्यूटर किसी और के पास रखा हुआ है जो कि आपकी सारी रिसोर्सेज को सिक्योर रखता है। हम लोग एक जोक मारा करते थे, देयर इज नो क्लाउड, इट्स जस्ट somebody else's कंप्यूटर। बट ऐसा नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत ही बढ़िया है, पॉपुलर है, और अगर आप लोग GCP, Amazon, AWS, Linode, Volter, DigitalOcean के VPS सब यूज़ करते हैं तो काफ़ी बढ़िया आप लोगों को एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को अगर मैं समराइज करूँ तो आपने क्या किया कि आपका एक सर्वर था वो लोड उठा नहीं पा रहा था, आपने 10 और सर्वर खरीद लिया, वो लोड उठा पा रहे हैं। वर्टिकल स्केलिंग की बात करूं, आपका एक सर्वर था उसकी 1 GB रैम थी, वो लोड उठा नहीं पा रहा था, तो आपने उस 1 GB रैम को 8 GB रैम वाला बना दिया, ये है वर्टिकल स्केलिंग। अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में होगा क्या कि आपको लोड बैलेंसिंग करनी होगी। पहले एक सर्वर था, आज 10 सर्वर है, तो आपको लोड को 10 सर्वर में बराबर करके बांटना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ये चीज वर्टिकल स्केलिंग में तो आप लोग को नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही कंप्यूटर है, उसी पे सारा ट्रैफिक आ रहा है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करूं, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अ सिंगल पॉइंट, यानी कि जो एक सर्वर है उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लेट अस 0.3 है, ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बोल दी मैंने, बट लेट अस अज्यूम, ठीक है, 0.3 है, तो 10 कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी कि 10 के 10 सबके सब जो है फेल हो जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा होगी, 0.3 to the power 10 होगी, जो कि बहुत ही कम हो गई, ठीक है, बहुत कम हो गई, ज़्यादा नहीं, बहुत कम हो गई। और इस कम प्रोबेबिलिटी की वजह से भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को बहुत ज़्यादा चर्चा में लाया जाता है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल स्केलिंग की अगर हम बात करें, एक ही कंप्यूटर है, 0.3 प्रोबेबिलिटी के साथ खराब हो सकता है। अब अगर हम लोग लिमिट की बात करें कि कितना आप लोग स्केल अप कर सकते हो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करूं तो यार आज आपने 10 कंप्यूटर खरीदे, आपकी जेब में पैसा और आपके घर में जगह अगर है तो आप लोग जितने मनचाहे कंप्यूटर खरीद लो, आपकी कोई थ्योरेटिकली इनफाइनाइट लिमिट, ठीक है, थ्योरेटिकली बोला है मैंने, ठीक है, इनफाइनाइट लिमिट है, यू कैन बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्वर्स थ्योरेटिकली। वर्टिकल स्केलिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद और चीज़ें आप लोगों को परेशान करने लग जाएंगी, जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर आप लोग एक लिमिट में ही रैम लगा सकते हो, एक लिमिट में ही उसके कंप्यूटर पावर को इंक्रीज कर सकते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है लिमिट देखने को मिलती है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नो लिमिट, वर्टिकल स्केलिंग में लिमिट है कि आप कितना स्केल कर सकते हो। तो यार मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग नीचे सब लोग एक जल्दी से कमेंट करो कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बढ़िया है वर्टिकल स्केलिंग, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आप नीचे कमेंट करो और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा इन दोनों में से कौन सी बढ़िया है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करो वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से। तो यार बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा इन दोनों में से कौन सी बढ़िया है,
इट डिपेंड्स, ठीक है, इट डिपेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बढ़िया होती है, कभी कभी वर्टिकल स्केलिंग बढ़िया होती है। अब लेट्स से आपके पास 1 GB सर्वर था, वो समहाउ जो है आपके यूजर्स को हैंडल कर पा रहा था, लेकिन आपने क्या किया, अगर आप ईज चाहते हैं, बहुत ही आसानी चाहते हैं, लोड बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, नेटवर्किंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, सिंपली 1 GB वाले रैम वाले सर्वर को 4 GB रैम वाला सर्वर बना दो और अपना काम करो, दूसरा टाइम बचाओ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सी बढ़िया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी सर्विस जो है टाइम टू टाइम ग्रो करती जा रही है आपको वेरिएबल स्केलअप की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि लड़ से आपके पास आज मान लो रात को 8 बजे 100,000 यूज़र्स आने वाले हैं और आने वाले दिन में सिर्फ आपके पास 100-100 यूज़र्स आएंगे, तो उस आज की रात के लिए आप लोग तैयार हो सकते हो और आप लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बना सकते हो और उसके बाद आप लोग स्केल डाउन कर सकते हो। तो नोड्स को आप लोग कुछ इस तरह से बना सकते हो कि वो जब आपको ज़रूरत हो अप हो जाए और जब ज़रूरत हो डाउन हो जाए और आपको उनके पैसे भी ना देना पड़े। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कभी कभी इन चीज़ों में जो है काफ़ी काम आती है इन सिनेरियोज़ में। तो एक ट्रेड ऑफ होता है और हर चीज़ का, हर यूज़ केस का एक अलग आंसर होता है, हॉरिजॉन्टल बढ़िया है, वर्टिकल बढ़िया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बढ़िया है, वर्टिकल स्केलिंग बढ़िया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।